देखो, मैं छोड़ के गया था ना, तो लेने भी तो मैं ही आया। गारंटी क्या है? अपनी माँ के कहने पर फिर मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? देखो, तुमसे माफी मांग चुका हूँ और एक दफा फिर से माफी मांगने को तैयार हूँ। तो मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और तुमने उस दिन इतना गुस्सा किया था, उस वजह से मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के गया। अम्मी और तुम इस तरह से लड़ना शुरू हुए कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं कंफ्यूज हो गया। सच में तो डर गया था मैं। अच्छा, तो गलती मेरी ही है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बस जो होना था वो हो गया ना, घर चलो। अपनी अम्मा से इजाजत ले आए हो तुम? कैसे इजाजत दे दी उन्होंने? हाँ, साइमा छोड़ो ना, बस करो। शादी से पहले कितने दावे करते थे तुम, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तुम्हारे तो सारे दावे झूठे निकले। तुम तो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए लड़ भी नहीं सके, पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। ऐसा नहीं है सर, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। यकीन करो मेरा। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मगर एक शर्त पे। हाँ, कहो कैसी शर्त। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम मुझे अलग घर लेके दोगे। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी मैंने दुनिया से अनोखी बात कह दी है मोहसिन? देखो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, बहुत इज्जत, सुकून और मोहब्बत से। लेकिन तुम्हारे घर वाले, उनके साथ तो ये मुमकिन नहीं है। ना तो वो मुझे इज्जत से रहने देंगे, ना सुकून से, और हर वक्त की बकबक अलग से। जहेज के ताने, मेरे गरीब माँ बाप को बातें। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन अलग घर में। समझ समझ, तुम्हारा आखिरी फैसला?